सो गाइज, अगर आप बहुत दिनों से वेट लॉस करने के लिए ट्राई कर रहे हो और वो जैसे आपको चाहिए वैसे हो नहीं रहा, आपका बेली फैट कम नहीं हो रहा है, आपके साइड हैंडल्स कम नहीं हो रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इधर हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। तो ये वीडियो को सेव कर लो और ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो व्हेन इट कम्स टू फैट लॉस, द वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो लोग भूल जाते हैं या लोगों को पता भी नहीं है, वो है यू हैव टू बी इन अ कैलोरी डेफिसिट टू बर्न और लूज फैट। तो कैलोरी डेफिसिट का एक सिंपल मीनिंग है जो कि ये कि यू हैव टू ईट लेस कैलोरीज देन योर मेंटेनेंस कैलोरीज। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है 2500, तो आपको 2500 कैलोरीज से कम कैलोरीज कंज्यूम करने हैं विच वुड गेट यू टू अ डेफिसिट। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खा रहे हो 2400 कैलोरीज, दैट इज यू आर 100 कैलोरीज डेफिसिट। उसके बाद अगर आप वर्कआउट करके 300 कैलोरीज मोर बर्न कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर 400 कैलोरीज डेफिसिट विच विल हेल्प यू टू बर्न फैट फास्टर। द मोस्ट अंडररेटेड थिंग व्हेन यू आर डूइंग अ फैट लॉस और जो लोग इग्नोर करते हैं वो है आपकी स्लीप, जो आपको कभी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। सो व्हेन यू आर डूइंग फैट लॉस और कटिंग, तो मेक श्योर कि आपकी स्लीप एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स हो, जिससे आपको हेल्प होगा मसल रिकवरी में, मसल सोरनेस फील नहीं होगा और नेक्स्ट वर्कआउट के टाइम आपको वीक फील नहीं होगा। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका मेन फोकस होना चाहिए आपका डाइट। तो डाइट में मेक श्योर कि आपके हर मील में प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स का परफेक्ट अमाउंट होना चाहिए। अगर आपको मसल प्रिजर्व करके कट करना है या वेट लॉस करना है, सो मेक श्योर हर मील में थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन हो। अगर आप सिर्फ वेट लॉस करने के लिए चाहिए, तो ये तीन बैलेंस कर लो, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स, एंड यू आर रेडी टू गो। सो अगर आपकी तीन चीज़ें ये ऑन पॉइंट है, तो मेरे पास एक सप्लीमेंट है जो आपको और ज़्यादा हेल्प करेगा वेट लॉस के लिए, विच इज़ फास्टन अप का L-carnitine। ये सप्लीमेंट के बारे में अभी तक बहुत रिसर्च हुआ है। ये आपको हेल्प करता है आपके फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए और आपको वर्कआउट के बीच में हेल्प करने के लिए। तो ये वीडियो में आगे हम यही बात करेंगे कि क्या है फास्टन अप का L-carnitine, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, हाउ एंड व्हेन टू यूज इट, एंड हु शुड कंज्यूम। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज फास्टन अप्स L-carnitine। सो इट इज मोस्ट इफेक्टिव सप्लीमेंट व्हेन इट कम्स टू वेट लॉस, गिव्स 2x फास्टर वेट लॉस रिजल्ट्स, एंड द मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज सोर्स्ड फ्रॉम स्विट्जरलैंड। आपको पर कैप्सूल मिल रहा है 1000 mg L-carnitine tartrate, जो कि है प्योर L-carnitine, जो आपको हेल्प करेगा वेट लॉस के लिए। नो एडेड शुगर है। सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ टू यूज इट। सो इसमें 20 टैबलेट्स रहते हैं। सो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक टैबलेट लेना है, 200 या 250 ml पानी लेना है ग्लास में, उसमें ये टैबलेट डालना है, वेट टिल इट डिजॉल्व्स कम्प्लीटली, उसके बाद आपको सिर्फ ये कंज्यूम करना है। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हेन टू कंज्यूम इट। सो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको वर्कआउट से आधा घंटा पहले कंज्यूम कर लो। अगर मुझसे पूछोगे बेस्ट टाइम टू कंज्यूम, तो मैं सुबह वर्कआउट करता हूँ और मैं वर्कआउट से पहले खाली पेट इसे कंज्यूम करता हूँ। हाँ, इसको आप खाली पेट भी कंज्यूम कर सकते हो। सो चलिए इसके फ्लेवर के बारे में बात करते हैं। तो ये दो फ्लेवर में आता है, तो एक है ऑरेंज और दूसरा है लेमन। तो पर्सनली मुझे लेमन पसंद है, इसलिए मैंने लेमन ऑर्डर किया था, और ये एग्जैक्टली नींबू पानी जैसे लगता है, तो इसलिए मुझे ये पसंद है। तो अगर आप प्राइसिंग के बारे में बात करोगे, तो इसमें आपको आएंगे 20 टैबलेट्स और इसका MRP है 650। और अगर आप इस पे मेरा कोड यूज़ करें जो कि है FUPSWARAJ10, तो आपको एक एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलेगा। तो अभी भी कुछ लोगों को क्वेश्चन होंगे कि L-carnitine क्या है। तो L-carnitine एक नॉर्मल अमीनो एसिड है जो आपके बॉडी में प्रेजेंट रहता है। इसका मेजर काम यही रहता है कि आपके जो फैटी एसिड्स है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करें। तो एनर्जी कहाँ से आती है? कैलोरीज से। सो बेसिकली आप जो डाइट करते हो या जो भी खाते हो आप दिन भर में, तो इन द एंड वो स्टोर रहता है फैटी एसिड्स में, और ये फैटी एसिड को ब्रेक करके वो आपको एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है वर्कआउट के टाइम। सो इन शॉर्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू से इज इट हेल्प्स टू बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म। फास्टन अप L-carnitine मैं पिछले 1-2 महीने से यूज कर रहा हूँ, और आपको इसके रिजल्ट देखने में टाइम लगेगा, लाइक यू हैव टू टेक इट फॉर लाइक 1 or 2 months, उसके बाद आपको रिजल्ट दिखेंगे। तो L-carnitine कोई नया सप्लीमेंट नहीं है, ये बहुत पहले से यूज होता है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में या बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में। बहुत सारे एथलीट्स यूज करते हैं इसे टू अचीव देयर बेस्ट रिजल्ट। एंड वन रीजन की मैं फास्टन अप का L-carnitine यूज करता हूँ कि इसके अब्जॉर्प्शन रेट बहुत फास्ट है, जिसकी वजह से ये आपके बॉडी में जल्दी से अब्जॉर्ब होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट आई वुड लाइक टू मेंशन कि अगर आपका डाइट अच्छा है, आप एक डेफिसिट में खा रहे हो और आपकी स्लीप अच्छी है, उसके बाद आपको इसके इफेक्ट दिखेंगे। ये अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक सरप्लस में खा रहा हूँ या कुछ भी खा रहा हूँ, उसके बाद स्लीप भी 4-5 घंटे की स्लीप रहती है,
और मैं एल-कार्निटाइन खा रहा हूँ और मुझे वेट लॉस होगा, तो वो कभी नहीं होगा। जस्ट मेक श्योर कि अगर आप ये ले रहे हो तो इससे पहले आपका स्लीप और आपका डाइट ऑन पॉइंट होना चाहिए, तो ही आपको इसके रिजल्ट दिखेंगे। अगर आप सचमुच वेट लॉस करना चाहते हो या कट करना चाहते हो और आप कोई सप्लीमेंट देख रहे हो अच्छा सा, आपके पास बजट है, तो प्रोटीन और क्रिएटिन के बाद में मैं ये एक सप्लीमेंट है जो आपको सजेस्ट करूँगा कि ट्राई करो। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस है या आपको टिप्स चाहिए वेट लॉस के लिए या वेट गेन के लिए या मसल गेन के लिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चंस या कुछ भी डाउट्स होंगे तो कमेंट कर सकते हो। और अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो ये है मेरा इंस्टाग्राम पेज, आप इधर जाके आपका सपोर्ट दिखा सकते हो। तो गाइज आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।